लेकिन आप याद करो, अगर कोई कांग्रेस का नेता सामने आया हो या कोई बीजेपी का नेता हमारा दर्द बांटने आया हो, कोई भी हमारे बीच में नहीं आया, लेकिन आपका भाई पंकज मीणा आपके लिए हमेशा तैयार था और आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। और आप लोगों से मैं ये वादा कर रहा हूँ, आहोर की इस गरीब प्रजा की जहाँ खून पसीने की एक बूंद बहेगी, ये पंकज मीणा वो अपने खून की बूंद बहा देगा। जहाँ आहोर का गरीब आदमी 10 कदम चलेगा, ये पंकज मीणा उसके लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार है। इस बार आप लोगों की उपस्थिति ये बयां कर रही है, ये लोगों को मैसेज जा रहा है कि आहोर में अब परिवर्तन आने जा रहा है। तो अब कांग्रेस और बीजेपी वालों को मैं कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपने बोरी बिस्तर यहाँ से समेट ले, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी आ रही है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यदि मुझे आपका आशीर्वाद मिला, यदि आप लोगों ने मुझे समर्थन किया और मुझे मैं अगर यहाँ से चुनाव जीता, तो मैं आप सभी का सम्मान कम नहीं होने दूंगा, आपका सम्मान बढ़ाऊंगा। और आपकी जो भी समस्या हो, आपकी समस्या के लिए मैं कोई उन विधायकों की तरह नहीं हूँ जो एसी ऑफिसों में जाकर काम करे, मैं आपका भाई हूँ, आप लोगों के बीच में रहकर ही आप लोगों के लिए काम करूंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। आज मुझे ये अच्छे से पता है कि एक किसान का दर्द क्या होता है। जो किसान इतनी खेती करे, इतनी मेहनत करके रात को जाग जाग कर अपनी खेती करे, फसलें करे, लेकिन सरकार जब उसका कोई समर्थन मूल्य अच्छा ना दे और उसको खेती को बाहर फेंकना पड़ता है और उसको ढंग से जो पैसे मिलने चाहिए वो उसको पैसे भी नहीं मिल पाते, उस किसान का दर्द मैं अच्छे से जानता हूँ। साथियों, उस मजदूर का दर्द मैं जानता हूँ, जो मजदूर आज दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी उसे इतनी मुश्किल हो रही है, कई वक्त तो बेचारे को एक टाइम की रोटी खाए बिना ही रात को भूखा सोना पड़ता है। मुझे उस युवा का दर्द पता है जो आज पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, युवा के पास आज रोजगार नहीं है, कई युवाओं का तो रोजगार पे से विश्वास ही खत्म हो गया, इसलिए लोगों ने आजकल पढ़ाई लिखाई करना ही बंद कर दिया है। ये हमारे यहाँ की पीड़ा है। जो लोग खड़े एक बार बैठ जाए भाइयों, उधर जो लोग खड़े शांति से बैठ जाए एक बार, उधर खाली पानी का टैंकर गया है, कोई भी आराम से शांति से बैठे, व्यवस्था बनाए रखे, व्यवस्था खराब ना करें। साथियों, एक बार नीचे बैठ जाओ, ये बहने जो सामने खड़ी है, बहने नीचे बैठ जाओ, उधर खाली पानी का टैंकर है, व्यवस्था खराब ना मत करो, बैठ जाओ, सब जने बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, पानी का टैंकर। साथियों, आप शांति बनाए रखें। हाँ, मैं आप लोगों को जो बात बता रहा था वो आप ध्यान से सुने। अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ से जीत कर अगर विधानसभा में गया, तो आप लोगों को मैं ये वादा कर जा रहा हूँ, जो पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिखते, जो पुलिस वाले आज डरा धमका कर गरीब आदमी को वापस घर पे भेज देते हैं, वो पुलिस वाले किसी भी गरीब आदमी पर हाथ नहीं डालेंगे। और अगर मुझे सरकार में जाने का मौका मिला, तो मैं सरकार से पूरी मांग रखूंगा कि जो मेरा किसान इतने सालों से पानी के लिए तरस रहा है, जवाई बांध का जो पानी दूसरी जगह जा रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था अपने आहोर के अंदर की जाए, और जो मेरे युवा है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, और बहनें और जो माताएं हैं उनके लिए भी ढंगी योजनाएं निकाली जाए। इस तरह की मैं पूरी पूरी मेहनत करूंगा। और एक बात और आप सभी से कहना चाहूंगा, मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 तारीख के अंदर जो हमारे निर्दोष भाई जो गिरफ्तार किए गए थे, जो हमारे भाई जेल में बंद हुए थे, जो कई निर्दोष लोगों को घर से निकाल कर पीटा गया था, अगर मैं सत्ता में आया तो उन पुलिस वालों के खिलाफ FIR लिखाई जाए, ऐसी मैं मांग करूंगा। तो अंत में साथियों, आप सभी का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी से इतना जरूर कहूंगा, इस बार 7 तारीख को जब आप मतदान करने जाएं, जब आप वोट देने जाएं,
तो एक बार आंख बंद करके इतना जरूर सोचना कि 70 साल से आपने जिन सरकारों को वोट दिया है, जिन पार्टियों को आपने वोट दिया है, उन पार्टियों ने 70 साल में क्या किया है। अगर आपको लगे कि हमारे यहाँ भी विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ भी जातिवाद खत्म होना चाहिए, हमारे यहाँ भी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे गांव में भी अच्छी सड़कें बननी चाहिए, हमारे यहाँ भी अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल बनने चाहिए और गांव-गांव में अच्छी सड़कें बननी चाहिए, तो आपके भाई पंकज मीणा को एक मौका जरूर देना। तो 7 तारीख को हाथी का बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें और आपके भाई पंकज मीणा को यहाँ से जिताकर आप लोगों की सेवा करने का मौका दे। और आप सभी से मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, यहाँ पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद। अरे भाई, जो हमारे बीवीएफ के साथी हैं, कृपया ये पीछे जो लोग खड़े हैं ना, हटावाना है रेंद, जो स्टेज के पास हमारे बीवीएफ के साथी हैं, वॉलंटियर फोर्स के साथी हैं, हटाए नहीं। अरे आप हटाओ, मतलब रहने दो, यहीं पर यहीं पर रहने दो, रहने दो यहीं पर, सब इन्हें हटाओ मतलब। सब हमारे साथियों, बहुत जल्द आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पहुंचने वाली है। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर आदरणीय बहन जी हमारे बीच में होंगी। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग मैदान के बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो लोग मैदान के अंदर आ जाएं। और जो साथी पीछे खड़े हैं, कृपया हाथ उठाकर बताएं, आवाज ठीक से आ रही है।